अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं जी आप सब लोग। मेरी तरफ से आप सबको शवाल का चांद बहुत बहुत मुबारक हो, चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। जहाँ पे आज ईद मना ली गई और पाकिस्तान में कल ईद मनाई जाएगी, मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक जी। और यहाँ पे जी ईद और शीर खोरमा ना बने ऐसा तो हो नहीं सकता, तो फिलहाल मैं भी बनाने लगी थी शीर खोरमा। अच्छा, मैं जो शीर खोरमा है ना वो मैं डब्बे वाले दूध से बनाती हूँ। आप बेशक फ्रेश मिल्क से बना लें, लेकिन हमें मीठा जो है ना वो डब्बे वाले दूध का अच्छा लगता है। शायद हमें आदत हो गई है ना, इसलिए 3 लीटर दूध का मैं बना रही हूँ। उसमें मैंने ना 4 इलायची ऐड कर दी थी, बादाम, खोपरा, किशमिश ऐड किया, और जो छुआरे नहीं होते जिन्हें ड्राई डेट्स कहते हैं उन्हें मैंने बॉयल करके काट कर ऐड किया, क्योंकि शीर खोरमे में अगर छुआरा ना डले ना तो मज़ा नहीं आता। बस इसे डाल कर ना मैं अच्छे से पका लूँगी इसे 15-20 मिनट के लिए, कि दूध ना अच्छे से पक जाए। दूसरी साइड पर मैंने लिया है 5 टेबल स्पून घी। ऑयल आप यूज़ नहीं करेंगे इसमें, घी यूज़ करेंगे, बेशक देसी घी यूज़ कर लें। आप सोच रहे होंगे इतना घी, घी डालने से ना शीर खोरमे में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, एक दफ़ा ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। 5 टेबल स्पून घी में मैंने 90 ग्राम जो है वो सेवैयाँ ऐड किया। 1 लीटर दूध में ना मैं 30 ग्राम जो है सेवैयाँ डालती हूँ। मेरे ख्याल से ये 1/2 कप से थोड़ा कम बनती है 30 ग्राम ना, बाकी आप देख लीजिएगा। उसे डाल के मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था, और ये दूध जो है मैंने 20 मिनट पकाया। उसके बाद ये जो फ्राई की हुई सेवैयाँ है ना ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी, और मज़ीद मैं इसे ना 1/2-1 घंटा पकाऊँगी ताकि शीर खोरमा ना अच्छे से पक जाए। और इस वक्त टाइम हो रहा था तकरीबन 3 बजे का टाइम हो रहा था, और आज मैं सुबह उठ भी जल्दी गई थी। पहले हम सुबह उठे थे, सफाई वगैरह का काम किया था हम सब ने मिलकर ना, फिर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया, अम्मी, मैंने, मेरी बहन ने मिलकर, यानी हम सब ने इकट्ठे काम किया। और मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी, उसके बाद जो है ना मैंने कहा शामी कबाब बनाने हो या शीर खोरमा बना कर रखना रोज़े से पहले पहले। और इतनी कोई गर्मी है ना मुल्तान में, मैं आपको नहीं बता सकती, इस वक्त मुझे शदीद किस्म का रोज़ा लग रहा है, क्योंकि फिर ना मेहंदी भी लगवानी और उसके बाद ना ये वाले सारे काम नहीं होंगे, तो इसलिए मुझे ये वाले काम ना अभी ही कम्प्लीट करने हैं। खैर थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन हो जाएंगे। अच्छा, ये शीर खोरमा जब पक गया था ना मैंने इसमें शुगर ऐड कर दिया। 1 टीस्पून मैं इसमें इलायची पाउडर ऐड करूँगी, और इसे मैं मीडियम फ्लेम पर मज़ीद पका लूँगी, क्योंकि चीनी डालिए, चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी। My heart is breaking, so tired of crying. अच्छा जी, यहाँ पे मैंने क्या किया, वो जायफल नहीं होती, नटमेग भी जिसे कहते हो, उसे ना मैंने पीस लिया था। आपको जायफल का पाउडर चाहिए जो हम इसमें डालेंगे। 1 लीटर दूध में ना 1 चुटकी जायफल डाल जाती है, मेरे पास 3 लीटर दूध है, मैं इसमें 3 चुटकी जायफल का पाउडर ऐड करूँगी। बस जितनी थिकनेस आपने रखनी है उतनी थिकनेस रख के ना आपने चूल्हा बंद कर देना, इस वक्त फ्लेम ऑफ है, और मैंने इसमें 3 चुटकी जायफल का पाउडर ऐड किया। जायफल के पाउडर डालने से ना इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है शीर खोरमे में, मैंने बहुत मज़े का बनता है इससे। और बस मैं इसे अब कवर करके छोड़ दूंगी, कवर इसलिए किया ताकि जो खुशबू है वो इसके अंदर रहे। और ये जो शीर खोरमा है ना वो रेडी हो गई है, ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर अभी तक आपने शीर खोरमा नहीं बनाया तो मेरी रेसिपी से ट्राई कर लीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा ना। और आप लोग मुझे बताइएगा आप लोग किस तरीके से शीर खोरमा बनाते हो, ईद पर बनता क्या, किसी घर में सेवैयाँ बनती हैं, दूध सेवैयाँ होती हैं, किसी घर में कुछ डिफरेंट मीठा बनता होगा, लेकिन हमारे घर में तो ईद वाले दिन ना शीर खोरमा लाजमी बनता है, और कुछ बने ना बने शीर खोरमा मस्ट है। तो आप लोग अपना बताइएगा आप लोग क्या बनाते हैं। यहाँ पर जी मैंने ना शामी कबाब साथ साथ बना लिए थे, ये मैंने 1 किलो चिकन और 1/2 किलो चने की दाल, इस रेशियो से ना मैंने शामी कबाब बनाए थे, और ऑलरेडी मैंने इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रखी है। तो इस व्लॉग में मैंने शेयर नहीं की, क्योंकि ना बहुत जल्दी जल्दी सारे काम किए हैं, और ऊपर से रोज़ा होता है ना तो बंदे की एनर्जी ना और ज़्यादा डाउन होती है। इस दफ़ा ना मैंने ईद पे शामी कबाब बनाए हैं, जबकि पिछली दफ़ा मैंने मलाई कबाब बनाए थे। इस दफ़ा ना मैंने फैंसी शंसी टाइप के कबाब नहीं बनाए, वो इसलिए नहीं बनाए क्योंकि यार उन्हें ना आप ज़्यादा देर तक ना स्टे नहीं कर सकते फ्रिज में, वो आप 7-8 डेज से ज़्यादा नहीं रख सकते। शामी कबाब का ये होता है कि आप इसे पूरे मंथ भी रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते ना। और फिर बंदे के घर में गेस्ट आते रहते हैं, और ईद पर भी पुलाव बिरयानियाँ बनती हैं, तो फिर शामी कबाब ना उनके साथ अच्छे लगते हैं, इसलिए इस दफ़ा ना मैंने कहा मैं शामी कबाब ही बना लेती हूँ। ये सारे जो काम है ना वो मैंने दोपहर के वक्त किए थे, और अब जो है मैंने इफ्तार भी कर ली थी, अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इस वक्त ना मुझे जल्दी लगी हुई कि मैं जल्दी जल्दी से वॉइस ओवर करूँ, क्योंकि ना इसके बाद हमें बाहर जाना है। हम हमेशा चांद रात को ना बाहर जाते हैं, 9-9:30 बजे तक बाहर जाएंगे, लेकिन मैंने कहा जितना व्लॉग मुझसे अब तक का होता है वो मैं डाल देती हूँ, क्योंकि अगर मैं बाहर चली गई ना वैसे ट्रैफिक जाम होती है चांद रात को, तो फिर व्लॉग नहीं डल सकेगा, 1-2 बज जाएंगे। तो इसे मैंने कहा सब जितना होता है मैं डाल देती हूँ, बाकी की चीज़ें जो है ना फिर मैं आपको कल दिखा दूंगी। और चांद रात पर बस हम इसलिए बाहर जाते हैं, कुछ खा पी आते हैं, और बस ऐसे आउटिंग वगैरह हो जाती
होती है, आप लोग बताइएगा आप लोग चांदार पे कहीं जाती हैं या नहीं, या बस घर पे गुजारते हैं। जो लोग मैरिड हो जाते हैं ना वो तो नहीं जा सकते, अलबत्ता अनमैरिड जो लोग होते हैं ना वो फिर भी चले जाते हैं। और ये है जी बस रमज़ान की आखिरी अफ्तारी, इतनी जल्दी बरकतों वाला महीना ख़त्म हो गया, पता ही नहीं चला, पता नहीं अगले साल हमें रमज़ान नसीब हो या ना हो, बस अल्लाह ताला हम सबकी इबादतें कबूल फरमाए, आमीन। बस ज़्यादा अफ्तारी मैंने आज नहीं बनाई थी, ये बर्गर्स बना लिए थे, वही शामी कबाब जो बनाए थे उसी से बर्गर्स बना लिए थे, फ्रूट्स कट कर लिए थे, शरबत था क्योंकि ऑलरेडी हमने बाहर जाना था तो बाहर से कुछ खा पे आएंगे, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि ईद की दूसरी चीज़ें चली होती है ना तो फिर अफ्तारी का ज़रा एहतमाम नहीं होता ना, दिल करता है। और यहाँ पे जी मेहंदी वाली आ गई थी, मेहंदी लगवा रही थी, एक हाल पे बस मैंने मेहंदी लगवाई है, क्योंकि एक तो मुझे ना मेहंदी लगवाने का ज़रा भी शौक़ नहीं है, मुझे मेहंदी कोई इतनी पसंद नहीं है, लड़कियों को बहुत मेहंदी पसंद होती है लेकिन मैं एक अजूबी लड़की हूँ जिसको मेहंदी नहीं पसंद, और इतना मुझे शौक़ भी नहीं है मेहंदी लगाने का ना, वरना मैं ईद में मेहंदी नहीं लगवाती, तो मैंने इस दफ़ा लगवा ली, वरना मैंने पिछले साल भी मेहंदी नहीं लगवाई थी, मुझे ज़रा शौक़ नहीं है मेहंदी का। ये भी मेरी बहन ने ना घर में बच्चे को बुला लिया था मेहंदी लगवाने के लिए ना, इसलिए मैंने मेहंदी लगवा ली, अगर मुझे कहीं जाकर लगवानी पड़ती ना मैंने फिर बिल्कुल ही नहीं जाना था, क्योंकि रोज़े में मुझसे कहीं नहीं जाया जाता। और बताइएगा आप लोगों को जो है वो मेहंदी कैसी लगी है। वैसे मेरे हस्बैंड का नाम है, बहुत से लोग मुझसे मेरे हस्बैंड का नाम पूछते हैं, मेरे हस्बैंड का नाम आवर है, आवर। आप लोग बताएं आप लोगों ने मेहंदी लगा ली या नहीं, या खुद मेहंदी लगा लेते हैं। मेरे ख्याल से बहुत सी लड़कियों को मेहंदी लगानी आती है, लेकिन मैं उन फोड़ में से हूँ जिसको मेहंदी लगानी नहीं आती होती। ज़रूरी तो नहीं है ना यार कि अब हर इंसान हर काम में ही अच्छा होगा। मैं खाना अच्छा बनाती तो मुझे मेहंदी भी आती होगी, मुझे मेहंदी लगाना ज़रा नहीं आती ना मुझे पसंद है, तो बस ये मैंने एक हल्का सा मेहंदी हाथ में हाथों पर लगवा ली थी। बताइएगा आपको कैसी लगी, अगर अच्छा लगा हो डिज़ाइन तो बता दीजिएगा, ना भी अच्छा लगा हो तो भी बता दीजिएगा, खैर अगर अच्छा ना भी लगा तो कुछ दिन बाद वैसे उतर जाएगी, क्योंकि मुझे किचन की इतने काम होते हैं ना, मेरी मेहंदी बहुत जल्दी फीकी हो जाती है। यहाँ पे जी मैं सारे कामों से फ्री हो गई थी, तो मैंने कहा था मैं थोड़ी सी स्किन केयर कर लेती हूँ, इस दफ़ा रमज़ान था तो मैं बाज़ार नहीं गई थी, तो मैं कोई फेशियल वगैरह तो लेकर नहीं आई, मेरे पास जो घर में चीज़ें पड़ी होंगी ना बस मैं उसी स्किन की ना क्लीनिंग वगैरह कर लूँगी, क्लिनजिंग कर लूँगी, उसके बाद मैं स्क्रब कर लूँगी, और उसके बाद ना मैं मास्क लगा लूँगी। कोई भी आपके पास ये चीज़ें पड़ी होती हैं, हर किसी के घर में क्लिनजिंग भी होता है, स्क्रब भी होता है, मास्क भी होता है, ये तीनों चीज़ें आप ना लगा लें, और इससे आपका ना एक अच्छा सा फेशियल खुद हो जाता है, घर में इतना हो जाता है कि आपकी स्किन जो है ना साफ़ सुथरी हो जाएगी। उसके बाद जो है मेरे पास ये रिवाज की डीप क्लीनिंग नोज स्ट्रिप्स है, ब्लैक हेड्स वाली ना, ये मैं लगाऊंगी। पहले मैं क्या करूंगी, क्लिनजिंग करूंगी, उसके बाद मैं स्क्रबिंग करूंगी, उसके बाद ना मैं ब्लीच लगा लूंगी। उसमें ब्लीच मैं ऐसे बनाती हूँ कि 1 टीस्पून मैं इसका लिक्विड लेती हूँ, और 1/2 टीस्पून से भी कम मैं इसका पाउडर बनाती हूँ। अभी ये ब्लीच खत्म हो गया तो मैंने बुको का वो भी लेकर आते तो मैं लगाती हूँ, बस ब्लीच लगा लूंगी। जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है वो ब्लीच को ओमिट कर दीजिएगा, जो लगा सकते हैं वो लगा लीजिएगा। उसके बाद जो है मैं मास्क लगा लूंगी ब्लीच करने के बाद ना, और लास्ट में मैं ये नोज की स्ट्रिप्स लगा लूँगा। और बस ये देखिए सबसे बड़ा जो काम था ना वो हमने कर लिया था, मैंने और मेरी बहन ने, हम दोनों ने मिलके, मैंने अपने कपड़े प्रेस किए थे, मेरी बहन ने अपने किए थे। ईद की जो तीनों दिन के ड्रेस है ना वो हम सब ने ना प्रेस वगैरह करके रख दिए, और एटलीस्ट ना रोज़ रोज़ प्रेस करने से जान छुट जाएगी क्योंकि मुझे प्रेस करना बहुत अजाब लगता है, मुझे ना इस्त्री करना ज़रा पसंद नहीं है। और बस व्लॉग को मैं करने लगी हूँ एंड, और आप सबको मेरी तरफ से दोबारा से ईद मुबारक हो, चांद रात बताइएगा आप लोगों की कैसी गुजरी। फिलहाल मैं तो चली हूँ बाहर और व्लॉग को करते हैं बस एंड, तो बस चलिए जी अल्लाह हाफिज़।